नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपके वो सपने जो आपको जल्द ही धनवान बना सकते हैं, आपको अमीर बना सकते हैं। और यदि आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सपने ही आपको अमीर या गरीब बनाने के संकेत दे रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप उन पर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके ऐसे कौन से सपने हैं जो आपको ये संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में आपके घर संपत्ति आएगी या फिर आपके घर से संपत्ति जाएगी। दोस्तों, रात को सोते समय हर व्यक्ति सपने जरूर देखता है। कुछ सपने व्यक्ति सुबह जागने के बाद भूल जाता है, लेकिन वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को हमेशा याद रह जाते हैं। ये सपने शुभ अशुभ चीज़ों के संकेत देते हैं। वहीं स्वप्न शास्त्र के अनुसार आज हम आपको ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में बताएंगे जो व्यक्ति के जीवन में धन आने का संकेत देते हैं। अमीर बनने के ये सपने कई बार कुछ लोगों के साथ सच भी हो जाते हैं। देखते हैं कि क्या उन कुछ लोगों में आप भी आते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में हर सपने का अपना एक अलग अर्थ और संकेत होता है, जिसके बारे में बताया गया है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं की खबर सपने हमें पहले ही दे देते हैं। सपने में यदि जलता हुआ दीपक दिख जाए तो व्यक्ति को शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आने वाले समय में आपके पास धन होगा, आपको धन लाभ होने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को सोते समय कानों के बाले दिख जाए तो समझ लें कि आने वाले समय में व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो लगते तो छोटे हैं, लेकिन भविष्य में शुभ फल प्राप्ति के संकेत देते हैं। दोस्तों, अगली बात हम करें सपने की, तो सपने में या फिर रियल लाइफ में सोना पाना कौन नहीं चाहता, लेकिन कई बार सपनों में इन चीज़ों का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। अगर सपने में आप भी सोना देखते हैं तो ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि भविष्य में आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और व्यक्ति जल्द अमीर होता जाएगा। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में खुद को अंगूठी पहने देखना, ये भी शुभ माना जाता है। सपने में अंगूठी देखने वाले व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी के आने की ओर इशारा करता है। ऐसे सपने व्यक्ति को भविष्य में अच्छे दिन आने की ओर भी इशारा करते हैं। दोस्तों, अगली सपने की बात की जाए तो अगला सपना है सांप देखने का। अगर असली जीवन में किसी व्यक्ति को सांप दिखता है तो हम इसे देखकर डर जाते हैं या फिर भगवान का नाम जपने लग जाते हैं, लेकिन सपने में सांप का दिखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। अगर सपने में सांप को बिल के पास देखते हैं तो भविष्य में धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, गुलाब का फूल किसे नहीं पसंद, लेकिन यदि यही गुलाब का फूल आपके सपने में आ जाए या फिर कमल का फूल, तो ये आपके लिए शुभ और फलदायी साबित होता है। इसका अर्थ होता है कि भविष्य में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी या फिर जल्द ही धन वर्षा आप पर होने वाली है। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी आज के इस खास वीडियो में आपके इन सपनों का जो स्वप्न शास्त्र है वो जो जवाब दे रहे हैं, जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं, आपके घर में पैसे आ सकते हैं, इन सपनों पे आप ज़रूर ध्यान देंगे और अब आपकी खुशियाँ भी दुगनी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट अपडेट के साथ।